ओम शांति। मुरली का तारीख है 14/4/2021। मीठे बच्चे, अंतर्मुखी बन, ज्ञान रूप अवस्था में रहकर इन महावाक्यों को धारण करो, तब अपना व अन्य आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। अपने मन व दिल रूपी मंदिर को ईश्वरीय गुणों रूपी मूर्तियों से सजाओ और पवित्र संकल्पों की खुशबू फैलाओ। प्रश्न, सर्वोत्तम सच्ची सर्विस कौन सी है? यथार्थ सर्विस का सूक्ष्म और महीन रास क्या है? उत्तर, जब किसी से कोई भूल होती है तो उसे सावधान करने के साथ सूक्ष्म रीति से अपनी योग शक्ति उन तक पहुंचाकर उनके अशुद्ध संकल्पों को भस्म करना, यही सर्वोत्तम सच्ची सर्विस है। साथ साथ अपने ऊपर भी अटेंशन देना, मनसा में भी कोई अशुद्ध संकल्प उत्पन्न ना हो, इसमें खुद भी सावधान रहना और दूसरों प्रति ऐसी दिव्य सर्विस करना, यही सर्विस का सूक्ष्म और महीन राज है। ओम शांति। हर एक पुरुषार्थी बच्चे को पहले अंतर्मुख अवस्था अवश्य धारण करने हैं। अंतर्मुखता में बड़ा ही कल्याण समाया हुआ है। इस अवस्था से ही अचल, स्थिर, धैर्यवत, निर्माणचित इत्यादि दैवी गुणों की धारणा हो सकती है तथा संपूर्ण ज्ञानमय अवस्था प्राप्त हो सकती है। अंतर्मुख ना होने के कारण वह संपूर्ण ज्ञान रूप अवस्था नहीं प्राप्त होती, क्योंकि जो भी कुछ महावाक्य सम्मुख सुने जाते हैं, अगर उसे गहराई में जाकर ग्रहण नहीं करते, सिर्फ उन महावाक्यों को सुनकर रिपीट कर देते हैं, तो वह महावाक्य वाक्य हो जाते हैं। जो ज्ञान रूप अवस्था में रहकर महावाक्य नहीं सुने जाते, उन महावाक्यों पर माया का परछाया पड़ जाता है। अब ऐसी माया के अशुद्ध वाइब्रेशन से भरे हुए महावाक्य सुनकर सिर्फ रिपीट करने से खुद सहित औरों का कल्याण होने के बदले अकल्याण हो जाता है। इसीलिए हे बच्चों, एकदम अंतर्मुखी बन जाओ। आपका यह मन मंदिर सदृश है। जैसे मंदिर में सदैव खुशबू आती है, ऐसे मन मंदिर जब पवित्र बनता है तो संकल्प भी पवित्र इमर्ज होते हैं। जैसे मंदिर में सिर्फ पवित्र देवी देवताओं के ही चित्र रखे जाते हैं, ना कि दैत्यों के, ऐसे तुम बच्चे अपने मन व दिल रूपी मंदिर को सर्व ईश्वरीय गुणों की मूर्तियों से सजा दो। वे गुण हैं निर्मोह, निर्लोभ, निर्भय, धैर्यवत, निरहंकार इत्यादि, क्योंकि यह सब तुम्हारे ही दिव्य लक्षण हैं। आप बच्चों को अपने मन मंदिर को उजियारा अर्थात संपूर्ण शुद्ध बनाना है। जब मन मंदिर उजियारा बने, तभी अपने उजियारे प्यारे वैकुंठ देश में चल सके। तो अब अपने मन को उज्जवल बनाने का प्रयत्न करना है तथा मन सहित विकारी कर्मेंद्रियों को वश करना है। परंतु ना सिर्फ अपना मगर अन्य प्रति भी यही दिव्य सर्विस करनी है। वास्तव में सर्विस का अर्थ अति सूक्ष्म और महीन है। ऐसा नहीं कि किसी की भूल पर सिर्फ सावधान करना इतने तक सर्विस है, परंतु नहीं, उनको सूक्ष्म रीति अपनी योग की शक्ति पहुंचाए, उनके अशुद्ध संकल्पों को भस्म कर देना, यही सर्वोत्तम सच्ची सर्विस है। और साथ साथ अपने ऊपर भी अटेंशन रखना है, ना सिर्फ वाचा अथवा कर्मणा तक, मगर मनसा में भी कोई अशुद्ध संकल्प उत्पन्न होता है तो उनका वाइब्रेशन अन्य के पास जाए, सूक्ष्म रीति अकल्याण करता है, जिसका बोझ खुद पर आता है और वही बोझ बंधन बन जाता है।
इसीलिए हे बच्चों, खुद सावधान रहो, फिर अन्य प्रति यही दिव्य सर्विस करो। यही आप सेवादारी बच्चों का अलौकिक कर्तव्य है। ऐसी सर्विस करने वालों को फिर अपने प्रति कोई भी सर्विस नहीं लेनी है। बल कभी कोई अनायास भूल हो भी जाए तो उसे अपने बुद्धियोग बल से सदैव के लिए करेक्ट कर देना है। ऐसा तीव्र पुरुषार्थी थोड़ा भी इशारा मिलने से शीघ्र महसूस करके परिवर्तन कर लेता है और आगे के लिए अच्छी रीति अटेंशन रख चलता है। यही विशाल बुद्धि बच्चों का कर्तव्य है। हे मेरे प्राणों, परमात्मा द्वारा रचे हुए इस अविनाशी राजस्व ज्ञान यज्ञ प्रति तन मन धन को संपूर्ण रीति से स्वाह करने का रास बहुत महीन है। जिस कड़ी आप कहते हो कि मैं तन मन धन सहित यज्ञ में स्वाह अर्थात अर्पण हो मर चुका, उस घड़ी से लेकर अपना कुछ भी नहीं रहता। उसमें भी पहले तन मन को संपूर्ण रीति से सर्विस में लगाना। जब सब कुछ यज्ञ अथवा परमात्मा के प्रति है तो फिर अपने प्रति कुछ रह नहीं सकता। धन भी व्यर्थ नहीं गवा सकते, मन भी अशुद्ध संकल्प विकल्प तरफ दौड़ नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा को अर्पण कर दिया। अब परमात्मा तो है ही शुद्ध शांत स्वरूप, इस कारण अशुद्ध संकल्प स्वतः शांत हो जाते हैं। अगर मन माया के हाथ में दे देते हो तो माया वैरायटी रूप होने कारण अनेक प्रकार के विकल्प उत्पन्न कर मन रूपी घोड़े पर आए सवारी करते हैं। अगर किसी बच्चे को अभी तक भी संकल्प विकल्प आते हैं तो समझना चाहिए कि अभी मन पूर्ण रीति से स्वाह नहीं हुआ है, अर्थात ईश्वरीय मन नहीं बना है। इसीलिए हे सर्व त्यागी बच्चों, इन गुह्य राजों को समझ कर्म करते साक्षी हो, खुद को देख बहुत खबरदारी से चलना है। स्वयं गोपी वल्लभ तुम अपने प्रिय गोप गोपियों को समझा रहे हैं कि तुम हर एक का वास्तविक सच्चा प्रेम कौन सा है। हे प्राणों, तुम्हें एक दो की प्रेम भरी सावधानी को स्वीकार करना है, क्योंकि जितना प्रिय फूल उतना ही श्रेष्ठ परवरिश। फूल को वैल्यूबल बनाने अर्थ माली को कांटों से निकालना ही पड़ता है। वैसे तुम्हें भी जब कोई सावधानी देता है तो समझना चाहिए जैसे कि उसने मेरी परवरिश की अर्थात मेरी सर्विस की। उस सर्विस अथवा परवरिश को रिगार्ड देना है, यही संपूर्ण बनने की युक्ति है। यही ज्ञान सहित आंतरिक सच्चा प्रेम है। इस दिव्य प्रेम में एक दो के लिए बहुत रिगार्ड होना चाहिए। हर एक बात में पहले खुद को ही सावधान करना है, यही निर्माणचित अति मधुर अवस्था है। ऐसे प्रेम पूर्वक चलने से तुम्हें जैसे यहां ही वे सत्युग के सुहावने दिन आंतरिक महसूस होंगे, वहां तो यह प्रेम नेचुरल रहता है, परंतु इस संगम के स्वीटेस्ट समय पर एक दो के लिए सर्विस करने का यह अति मीठा रमणीक प्रेम है। यही शुद्ध प्रेम जग में गाया हुआ है। तुम हर एक चैतन्य फूलों को हरदम हर्षित मुख हो रहना है, क्योंकि निश्चय बुद्धि होने के कारण तुम्हारी नस नस में संपूर्ण ईश्वरीय ताकत समाई हुई है। ऐसी आकर्षण शक्ति अपना दिव्य चमत्कार अवश्य निकालती है। जैसे छोटे निर्दोष बच्चे शुद्ध पवित्र होने कारण सदैव हंसते रहते हैं और अपने रमणीक चरित्र से सबको बहुत खींचते हैं, वैसे तुम हर एक की ऐसी ईश्वरीय रमणीक जीवन होनी चाहिए। इसके लिए तुम्हें किसी भी युक्ति से अपने असुरी स्वभावों पर जीत प्राप्त करनी है। जब कोई को देखो कि या क्रोध विकार के वश हो मेरे सामने आता है
या क्रोध विकार के वश हो मेरे सामने आता है तो उनके सामने ज्ञान रूप हो, बचपन की मीठी रीति से मुस्कुराते रहो तो वहां खुद शांत चित्त हो जाएगा, अर्थात विस्मृति स्वरूप से स्मृति में आ जाएगा। बल उनको पता भी ना पड़े, लेकिन सूक्ष्म रीति से उनके ऊपर जीत पाकर मालिक बन जाना, यही मालिक और बालकपन की सर्वोच्च शिरोमणि विधि है। ईश्वर जैसे संपूर्ण ज्ञान रूप वैसे फिर संपूर्ण प्रेम रूप भी है। ईश्वर में दोनों ही क्वालिटीज समाई हुई है, परंतु फर्स्ट ज्ञान सेकंड प्रेम। अगर कोई पहले ज्ञान रूप बनने बिगर सिर्फ प्रेम रूप बन जाता है तो वह प्रेम अशुद्ध काते में चला जाता है। इसीलिए प्रेम को मर्ज कर पहले ज्ञान रूप बन भिन्न भिन्न रूपों में आई हुई माया पर जीत पाकर पीछे प्रेम रूप बनना है। अगर ज्ञान बिगर प्रेम में आए तो कहां विचलित भी हो जाएंगे। जैसे अगर कोई ज्ञान रूप बनने के बिगर ध्यान में जाते हैं तो कई बार माया में फंस जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे या ध्यान भी एक सूत की जंजीर है, परंतु ज्ञान रूपन पीछे ध्यान में जाने से अति मौज का अनुभव होता है। तो पहले है ज्ञान, पीछे है ध्यान। ध्यानिष्ठ अवस्था से ज्ञानिष्ठ अवस्था श्रेष्ठ है। इसीलिए हे बच्चों, पहले ज्ञान रूपन फिर प्रेम इमर्ज करना। ज्ञान बिगर सिर्फ प्रेम इस पुरुषार्थी जीवन में विघ्न डालता है। साक्षीपन की अवस्था अति मीठी, रमणीक और सुंदर है। इस अवस्था पर ही आगे की जीवन का सारा मदार है। जैसे कोई के पास कोई शारीरिक भोगना आती है, उस समय अगर वह साक्षी सुखरूप अवस्था में उपस्थित हो उसे भोगता है तो फास्ट कर्म को भोग चुप्त भी करता है और साथ साथ फ्यूचर के लिए सुख का हिसाब भी बनाता है। तो यहाँ साक्षीपन की सुखरूप अवस्था फास्ट और फ्यूचर दोनों से कनेक्शन रखती है। तो इस राज को समझने से कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि मेरा यहाँ सुहावना समय सिर्फ चुप्त करने में चला गया। नहीं, यही सुहावना पुरुषार्थ का समय है, जिस समय दोनों कार्य संपूर्ण रीति सिद्ध होते हैं। ऐसे दोनों कार्य को सिद्ध करने वाला तीव्र पुरुषार्थी ही अतीन्द्रिय सुख मां आनंद के अनुभव में रहता है। इस विराट ड्रामा की हर बात में तुम बच्चों को संपूर्ण निश्चय होना चाहिए, क्योंकि यह बना बनाया ड्रामा बिल्कुल वफादार है। देखो यह ड्रामा हर एक जीव प्राणी से उनका पार्ट पूर्ण रीति से बजवाता है। बल कोई रांग है तो वहां रांग पार्ट भी पूर्ण रीति से बजाता है। यहाँ भी ड्रामा की नोंद है। जब रांग और राइट दोनों ही प्लान में नोंद हुए है तो फिर कोई बात में संशय उठाना या ज्ञान नहीं है, क्योंकि हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट बजा रहा है। जैसे बायोस्कोप में अनेक भिन्न भिन्न नाम रूपधारी एक्टर अपनी अपनी एक्टिंग करते हैं, तो उनको देख किसी से नफरत आवे और किसी से हर्षित होवे ऐसा नहीं होता। पता है कि यह एक खेल है जिसमें हर एक को अपना अपना गुड व बैड पार्ट मिला हुआ है। वैसे ही इस अनादि बने हुए बायोस्कोप को भी साक्षी हो, एकरस अवस्था से हर्षित मुख हो देखते रहना है। संगठन में यह पॉइंट बहुत अच्छी रीति धारण करनी है। एक दो को ईश्वरीय रूप से देखना है, महसूसता का ज्ञान उठाए, सर्व ईश्वरीय गुणों की धारणा करनी है। अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से शांत चित्त, निर्माण चित्त, धैर्यवत, मिठास, शीतलता इत्यादि सर्व दैवी गुण इमर्ज करने हैं। धैर्यवत अवस्था धारण करने का
मुख्य फाउंडेशन है वेट एंड सी। हे मेरे प्रिय बच्चों, वेट अर्थात धैर्य धरना, सी अर्थात देखना। अपने दिल भीतर पहले धैर्यवत गुण धारण कर, उसके बाद फिर बाहर में विराट ड्रामा को साक्षी हो देखना है। जब तक कोई भी राज सुनने का समय समीप आवे, तब तक धैर्यवत गुण की धारणा करनी। समय आने पर उस धैर्यता के गुण से राज सुनने में कभी भी विचलित नहीं होंगे। इसीलिए हे पुरुषार्थी प्राणों, जरा ठहरो और आगे बढ़कर राज देखते चलो। इसी धैर्यवत अवस्था से सारा कर्तव्य संपूर्ण रीति से सिद्ध होता है। यह गुण निश्चय से बांधा हुआ है। ऐसे निश्चय बुद्धि साक्षी दृष्टा हो, हर खेल को हर्षित चेहरे से देखते आंतरिक धैर्यवत और अडोलचित रहते हैं। यही ज्ञान की परिपक्व अवस्था है, जो अंत में संपूर्णता के समय प्रैक्टिस में रहती है। इसीलिए बहुत समय से लेकर इस साक्षीपन की अवस्था में स्थित रहने का परिश्रम करना है। जैसे नाटक में एक्टर को अपना मिला हुआ पार्ट बजाने अर्थ आगे से ही रिहर्सल करनी पड़ती है, जैसे नाटक में एक्टर को अपना मिला हुआ पार्ट बजाने अर्थ आगे से ही रिहर्सल करनी पड़ती है, वैसे तुम प्रिय फूलों को भी आने वाली बारी परीक्षाओं से योग बल द्वारा पास होने के लिए आगे से ही रिहर्सल अवश्य करनी है। लेकिन बहुत समय से लेकर अगर यह पुरुषार्थ किया हुआ नहीं होगा तो उस समय घबराहट में फेल हो जाएंगे। इसीलिए पहला अपना ईश्वरीय फाउंडेशन पक्का रख दैवी गुणधारी बन जाना है। ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित रहने से स्वतः शांत रूप अवस्था हो जाती है। जब ज्ञानी तो आत्मा बच्चे इकट्ठा बैठकर मुरली सुनते हैं तो चारों तरफ शांति का वायुमंडल बन जाता है, क्योंकि वे कुछ भी महावाक्य सुनते हैं तो आंतरिक डीप चले जाते हैं। डीप जाने के कारण आंतरिक उनों को शांति की मीठी महसूसता होती है। अब इसके लिए कोई कास बैठकर मेहनत नहीं करनी है, परंतु ज्ञान की अवस्था में स्थित रहने से यह गुण अनायास आ जाता है। तुम बच्चे जब सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठते हो तो शुद्ध विचारों रूपी लहरें उत्पन्न होती हैं। उस समय बहुत उपराम अवस्था होनी चाहिए। फिर अपने निज शुद्ध संकल्प में स्थित होने से अन्य सब संकल्प आपे ही शांत हो जाएंगे और मन अमन हो जाएगा, क्योंकि मन को वश करने अर्थ ही कोई ताकत तो अवश्य चाहिए ना। इसीलिए पहले अपने लक्ष्य स्वरूप के शुद्ध संकल्पों को धारण करो, तब आंतरिक बुद्धि योग कायदे प्रमाण होगा तो तुम्हारी यह निर्संकल्प अवस्था स्वतः हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे ज्ञान गुलजारी, ज्ञान सितारों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से शांत चित, निर्माण चित, धैर्यवत, मिठास, शीतलता आदि सर्व दैवी गुण धारण करने हैं। सेकेंड पॉइंट, निश्चय बुद्धि साक्षी दृष्टा हो, इस खेल को हर्षित चेहरे से देखते आंतरिक धैर्यवत और अडोलचित रहना है। बहुत समय से लेकर इस साक्षीपन की अवस्था में स्थित रहने का परिश्रम करना है। वरदान स्नेह और शक्ति रूप के बैलेंस द्वारा सेवा करने वाले सफलता मूरत भवन। जैसे एक आंख में बाप का स्नेह और दूसरी आंख में बाप द्वारा मिला हुआ कर्तव्य सेवा सदा स्मृति में रहता है, ऐसे स्नेही मूर्त के साथ साथ अभी शक्ति रूप भी बनो। स्नेह के साथ साथ
शब्दों में ऐसा जौहर हो जो किसी का भी हृदय विदीर्ण कर दे। जैसे माँ बच्चों को कैसे भी शब्दों में शिक्षा देती है, तो माँ के स्नेह कारण वह शब्द तेज व कड़वे महसूस नहीं होते। ऐसे ही ज्ञान की जो भी सत्य बातें हैं, उन्हें स्पष्ट शब्दों में दो, लेकिन शब्दों में स्नेह समाया हुआ हो तो सफलता मूर्त बन जाएंगी। स्लोगन, सर्वशक्तिमान बाप को साथी बना लो तो पश्चाताप से छूट जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।